जी सत श्रीकाल जी, की हाल चाल ने? ये सुबह का टाइम है जी, अज आ गए फैक्ट्री तो सफाई चल रही है ना, सफाई करने तो मगरों अच्छ काम शुरू करा तो जी किचन जिन चार किचन बन रही वा ये तुम मैं दिखा रहा कुछ कंप्लीट हो गई है किसी पास एक आज होर कर देनी तो बाकी अपनी फैक्ट्री की लोकेशन हैगी है जी जीरा सिटी। जीरा सिटी तो जो आप कोट सिंह रोड तो 3 किलोमीटर जाइए तो रटौल पेट पिंड आता वा। तुम गूगल पर भी सर्च कर सकते जौल किचन, जौल किचन सर्च करोगे गूगल मैप से तुम्हें सीधा अपनी फैक्ट्री ले आऊगी। तो जिन्हें ऑर्डर पाना वो एक अपनी किचन का सैज ज किचन की वीडियो बना के तो मेरा नंबर है स्क्रीन उपर इस वट्सअप कर दो है ना, तो फिर आप देख लेवे है ना। बाकी टोटली देख रहे हो जिन्ना भी काम अपना मशीन वगैरह हो रहा वा, फैक्ट्री स्टार्ट होगी जो शोरूम वगैरह बन रहा वो अजे टाइम लगेगा, बट प्रोडक्शन स्टार्ट होगी मतलब किचन बननी शुरू हो गई अपनी है ना। तो चलो ठीक है, अच्छा दिन तुम पूरा वीडियो दिखावे, वीडियो सारी जरूर देखियो, तो जे एक वीडियो शेयर जरूर कर दिया करो। तो चलो ठीक है जी, ये लग्या जी अज करैलिक पेस्ट करना, करैलिक पेस्ट कर दो पहले हवा ना चंगी तरह ना साफ कर रहे, धूड़ कर नहीं रहना चाहिए। तो ये जिन्ना फिर उन्नी ज़्यादा सफाई होनी, जिम्मे कल पेस्ट की सीख नहीं तो बबल की बहुत प्रॉब्लम आ जाती जो सफाई नहीं करते, तो जिनी हो सके सफाई करो। तो एक मतलब जोड़ा भी अं पेस्ट करते रूले करीब फैविकोल लगा के प्लेन करते रूले के नाल, फिर ही वधिया फिनिश आती है, नहीं तो की हों बबल की थले बहुत प्रॉब्लम है, जितों फैविकोल की कोई थोड़ा जहा उच्चा रह गया उतो ही जिदा नहीं रिफ्लैक्शन आने लग जाती है, कुछ होती कि बहुत प्लेन करके लाई जाने जिन्ना भी हो सके। ये है जी एक्रैलिक जो सब तो औखी है पेस्ट करनी, क्योंकि ये बबल की बहुत प्रॉब्लम आती जो चंगे तरीके नहीं लगती, इन्नी तो रिफ्लैक्शन बहुत झाकती है। कोशिश होंगी कि जिनी वधिया तरीके पेस्ट किया जाता करते हैं, मतलब हाथ के नाल लगानी बहुत मुश्किल अपने को, चलो प्रैस हैगी तो प्रैस के नाले तो प्रैशर भी पाने तो नाल पहलों भी देखो कि एक बार पहले फैविकोल पद्धर कितने फिर रूले के नाल जो भी होंगे उन्होंने प्लेन करी फिर उपर एक्रैलिक की चंगी तरह मालिश करके उपर उपर हवा के प्रैशर मार के उपरले बन्ने कोई भी ये ना धूड़ ना मिट्टी का कण ना आए, क्योंकि जे मिट्टी का कण आता फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस करके जिनी भी कोशिश करनी कि वक्त वक्त सफाई ना पेस्ट की जाए, अज तो सारा दिन ये 3 पीस आप पेस्ट करने फिर तुम दिखाने कटिंग पल्ले किए बनाने जी। हम प्रेस के रख के फीट के थले हम करैलिक ला के ताप दे दी जी, आप मतलब यदा जो कंपैसिटी बहुत ज्यादा है मशीन की, 100 टन प्रैशर पाती है, दिखा देना जीरो हम ताप दे दी है ये मशीन पूरी बेहतर तुम दिखा देना इधर ठीक है। मतलब इतने हम 100 टन कंप्रैशर है, हूँ आप इतू मगरों लगेंगे जी ये पल्ले लाना वा, ये कल एक पीस घट गया सीगा तो ये बनाने हम पल्ले तुम दिखाने किमें कटिंग करते हैं। ये है जी अपनी एज बेंडिंग मशीन, ये जो की पहले सब तो पहले रोल होंगे एक एज का, ये एज टेप होंगी है जी, तो ये मशीन के फिट करनी पैंती फिर मगरों ये पला लग जाता वा, तुम ला के दिखाने
एक साइड तो पला का टेंपरेचर होंगे जी 150 टेंपरेचर से लगती है 150-160 डिग्री का वादा कर देना इधर लाल जहा पला साइड से पूरी प्रॉपर तरीके ने फिनिशिंग देख लो ला पला कला और दूजे बने लावे थले चलता पे वैक्यूम चला ला बिंदू धक्का लाई जाना सब तो वे पीस जो मतलब 8-8 फुट के पीस में भी ईजीली लाई घट के ला ला के सारे ये नहीं लगते हैं पूरा प्रॉपर तरीके एयर से बिजली दोनों लग जाती है।